नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के जिले यमुनानगर के जिला सचिवालय के बाहर से, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा और किसान सभा के जो किसान है वो यहां पर बूचड़ खाने के विरोध में डीसी उपायुक्त पार्थ गुप्ता को जो है ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। जिस तरीके से बूचड़ खाने पर जो है विवाद चल रहा था, काफ़ी समय से बूचड़ खाने की ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके चलते समस्त किसान और किसान के अनुयायी जो हैं डीसी महोदय को ज्ञापन सौंपने वाले जा रहे हैं कि हम इस बूचड़ खाने को वहां बनने नहीं देंगे, हम मीट प्रोसेसिंग यूनिट को वहां बनने नहीं देंगे, जिसमें भारतीय किसान यूनियन और तमाम जो लोग हैं यहां पर एकत्रित हो गए हैं। जो भी मेरी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मौके पर तमाम भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा और तमाम किसान यूनियनों के अध्यक्ष, पदाध्यक्ष, अधिकारी और तमाम मेंबर्स मौजूद हैं। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख पा रहा है, शेयर ज़रूर करते रहिए। आप सभी को जानकारी दे दें कि जिला प्रशासन के कार्यालय के बाहर सचिवालय में किसान जो है बूचड़खाने के विरोध में जो रदौर के पास प्रोसेसिंग यूनिट लग रही थी, उसमें तमाम मातृशक्ति बहनें और तमाम बेटियां जहां पर आई हैं। जो भी इस वीडियो को, इस खबर को देख रहा है, शेयर जरूर करते रहिएगा। आप सभी को जानकारी दे दें कि जिला उपायुक्त के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं और तमाम किसान संगठन जो है बूचड़खाने के विरोध में हैं। और ये मैं पहले बता दूं आप सभी को कि पहली बार नहीं जो है बूचड़खाने का विरोध हुआ, अक्सर बूचड़खाने का इस तरह से विरोध हो रहा था, लेकिन सरकार के द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद तमाम जो लोग हैं, तमाम जो किसान हैं, तमाम जो उनके अनुयायी हैं, वो जिला उपायुक्त पार्थ गुप्ता को ज्ञापन सौंपने के लिए आ चुके हैं। मीट प्रोसेसिंग यूनिट के चलते जो है उसका विरोध जो है आसपास के ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा था, जिसके बाद जो है भारतीय किसान यूनियन के और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले जो है यहां पर उपायुक्त कार्यालय में जो है यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार के गुंडे, आरएसएस के गुंडे वहाँ कैसा पे हमला किया, उन्होंने हमला बोला, शुक्रवार ने सही पर चढ़ गई, लेकिन किसान की आवाज दबाना चाहते हैं। हम आज पूरे देश में हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका ये सपने पूरे नहीं होने देंगे। करना पहले रादौर के पांजनो गाँव में लगा था, वहाँ भी हमारी भारतीय किसान के सभी संगठनों ने साथ मिलकर उनको वहाँ से दबाया। ये भी सरकार का हिस्सेदारी है, यहाँ के जो विधायक है घनश्याम उनके रिश्तेदार है। अब ये बूचड़खाना सढ़ोरे में लगा रहे हैं, लेकिन वहाँ भी लगन सरावा गांव में लगाने जा रहे हैं, वहाँ भी लगाने दिया जाएगा। इसको यमुनानगर से भगाएंगे, भाजपा के विधायक के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, अपनी जमीन में लगा लो, गांव को परेशान कर रहे गांव के लोगों को, लेकिन बूचड़खाना भी मिलने नहीं, लगने नहीं देंगे कहीं भी। देखिए भाई, ये क्या लगता है सरकार का, ये कौन है, सरकार का रिश्तेदार है क्या ये? हम ये पूछना चाहते हैं। पहले तो ये रादौर हलके में चला जाता है, अब ये सढ़ौर हलके में चला जाता है, इसका दिमाग सही कर देंगे ये? यदि बार बार ये कहता है कि सरकार की शरण लेने की कोशिश कर रहा है, अरे ये पाप नहीं होने देंगे हम इस धरती पे। ये श्री कृष्ण की धरती है, ये श्री राम की धरती है। यहाँ बूचड़ खाने गऊ मारने का काम, पशु मारने का काम क्या है? इनको कहते हैं जूत पड़ा, सड़ेंगे सिर में, इतने जूत मारेंगे ना, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ये। हम बार बार इनके हाथ जोड़ते हैं, हम बार बार ये कहते हैं कि हम यार डीसी साहब के गेट पर बैठे हैं, कभी हम एसडीएम के, क्या मांग है हमारी? हमारी मांग ये है कि भाई किसानों के खेतों में ये बूचड़ खाने मत लगाओ, मत लगाओ ये बूचड़ खाने। हमारी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, हमारे किसान भाई बैठे हैं, ये बदबू फैलाते हैं, पर्यावरण को दूषित करते हैं ये लोग। पूरी संस्थाएं आ जाएंगी। हमारा संयुक्त किसान मोर्चा बहुत बड़ा काम कर रहा है, इन्होंने दिल्ली में तख्ता पलट कर दिया। और इस बूचड़ खाने के मालिक से मैं कहता हूँ, आज हमारे किसान भाई कहते हैं, चैलेंज है इसको, सामने मत आ जाना। क्यों बार बार धमकी देने की बात करता है, कभी सरावा जाता है, कभी रादौर जाता है, बर्दाश्त नहीं करेगा किसान। डीसी साहब को आज यहीं पर बाहर बैठ करके बड़े प्यार से समझा करके जाएंगे, ऐसे दुष्टों से बच करके रहो। आपसी साजगांठ की वजह से ही ये काम होते हैं यार, कमाल है। हम यही तो पूछते हैं, इसके साथ रिश्तेदारी कौन सी है, ये किसका रिश्तेदार है, कहाँ से ये डाकू निकले है? और हमारी यमुनानगर जिला तो शांति का प्रतीक है, यमुनानगर जिले में देवता रहते हैं, यहाँ पर तो कुरुक्षेत्र से लेकर के आदि बद्री तक आपने देखा नहीं शायद, ये देव भूमि है, देवताओं की भूमि है ये, यहाँ राक्षस टिक नहीं सकते, किसानों के लठ खड़े हो जाएंगे।
तो भाई ये मजबूर ना करे हमारे तो कहीं ना कहीं आप सब दिखाने का प्रयास किया कि आम आदमी पार्टी से किसान नेता जो हमारे साथ अमरपाल आर्य मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जो पवित्र भूमि है, यमुनानगर की पवित्र भूमि है, इस भूमि पर हम लोग बूछड़खाना नहीं लगने देंगे। जो भी इस खबर को, इस देख रहा है, वीडियो को देख रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। मौके पर जो है डमोली मैडम बोलती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। कहीं ना कहीं ये सूची समझी खाने वाला है क्या देखिए, जो शाही फेंकने का मुद्दा वो सोची समझी चाल नहीं है, वो इनका पेशा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं है, भारतीय फेंकू पार्टी के लोग हैं। उनकी हरकत पहली बार नहीं, इन्होंने पहले भी की थी। इन्होंने जब देश का किसान सीमा के पास बैठा था तो तब इन्होंने पत्थर फेंकने का काम किया। और यहाँ जो इनका सरगना है मोदी जी, क्या काम करते हैं वो? फेंकने का काम करते हैं, झूठ फेंकते हैं, फ्रेब फेंकते हैं, दंगे फेंकते हैं। तो ये तो भारतीय फेंकू पार्टी के लोग हैं, ये तो आतंकवादी वाला काम करते हैं। आतंकवादी कश्मीर में क्या करते हैं? पत्थर फेंकते हैं, ये शाही फेंकते हैं। लेकिन कल इन्होंने हमला करने का काम किया। और मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे कान खोलकर सुन ले, अपना पैसा छोड़ दे। आज तुम्हारे पास क्या पैसा है? तुम रोजगार मांगने गए थे, तुम्हें मिला क्या? पत्थर फेंकने का काम मिला, शाही फेंकने का काम मिला, नशा बेचने का काम मिला। आज देश के किसान के ऊपर अटैक करने का काम करते हो। और बताना चाहेंगे पहले, अरे डरते नहीं तेरी आतंकी भाजपाई से, डरते नहीं आतंकी भाजपाई से, अरे जो डरते नहीं तानाशाही से वो क्या डरेंगे तेरी फेंकी गई शाही से। इस शाही से डरने वाला देश का किसान नहीं है, और इतना कमजोर भी नहीं है मोदी जी कि तुम्हारी तरह बोल देगा कि धन्यवाद करना सीएम का, जिंदा लौट आया है। अरे हराया हर कदम पर, हर कदम पर हरा कर आए हैं हम, जिंदा लौट कर आए हैं, ये नहीं बोलेंगे। सर बूचड़ खाने का मुद्दा आपने भी उठाया था, पहले रादौर के कांजू से वो चला गया, लेकिन अब सरावा आ गया है, क्या सरकार की मिली भगत है? सरकार की मिली भगत नहीं, बूचड़ खाना सरकार का है। इस बूचड़ खाने को लगाने वाले सरकार के लोग हैं, लाइसेंस किसी के नाम है, अप्लाई कोई करता है, और डीसी साहब की मजबूरी है, सरकार की मजबूरी है, उसको लाइसेंस देने का काम करती है। इसमें हिस्सेदारी भाजपा के नेताओं की है, भाजपा के लोगों की है। और ये बूचड़खाना कांजू में हटाने का काम किया देश के किसान ने, वहां के लोगों के किसान ने। आज ये सराव में चले गए, ये हिस्सेदारी इनकी बन चुकी है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको हटाने का काम किया जाएगा। अगर बूचड़खाना कहीं लगाना चाहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करता हूं, यहां के विधायक के पास सैकड़ों एकड़ जमीन दो नंबर की खरीदी हुई है, वहां लगाने का काम करें। यहां के एमएलए मंत्री के पास जमीन है, वहां का लगाने का काम करें। गांव में बूचड़खाना कतई लगाने नहीं दिया जाएगा। आप सभी को दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरीके से तमाम किसान और किसान के अनुयायियों में रोष, और वो कह रहे हैं सरावा वाला बूचड़खाना नहीं लगाने देगी। जो भी इस खबर को देख रहा है, वीडियो को देख रहा है, शेयर जरूर कीजिएगा। मुझसे हमको दे दीजिए इजाजत, तमाम बड़े खबरों के लिए बने रहे अभी 24 के साथ। नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।